हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप। जैसे एल्काइल ग्रुप होता है वैसे ही सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप पढ़ेंगे। देखो सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप क्या होता है, जहां पर भी 2 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन हटाते हैं तो वो होता है सेकेंडरी एल्काइल। ऐसे होता है टर्शरी एल्काइल, जब भी हाइड्रोजन किससे हटाएंगे, 3 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन हटाते हैं तो होता है टर्शरी एल्काइल। तो बेटा यहां पर मैं बता रहा हूं सेकेंडरी एल्काइल और एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी एल्काइल है उसको भी साथ में लेंगे। सबसे पहले बता देते हैं हाइड्रोजन कहां से हटाना है, 2 डिग्री कार्बन से। तो हाइड्रोजन शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम 2 डिग्री कार्बन। हाइड्रोजन को कहां से रिमूव करना है, आपको 2 डिग्री कार्बन से रिमूव करना है। अब देखेंगे इसके एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी एल्काइल, लिखेंगे एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी एल्काइल है। इसके एग्जाम्पल की बात करें कि सेकेंडरी एल्काइल के कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं। जैसे बेटा मैंने लिया एनब्यूटेन, ये होता है एनब्यूटेन CH3CH2CH2CH3, ये होता है आपका एनब्यूटेन। ये क्या आपके लिए एनब्यूटेन। यहां पर आप हाइड्रोजन हटा रहे हो और वो जो आपका हटने वाला हाइड्रोजन है वो 2 डिग्री कार्बन से हो। जैसे ये वाला क्या होता है 1 डिग्री कार्बन, ये कौन सा 2 कार्बन से अटैच है इधर इधर, तो 2 डिग्री कार्बन। ये वाला भी क्या 2 डिग्री कार्बन, ये क्या है 1 डिग्री कार्बन। तो जब भी हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम 2 डिग्री कार्बन देन इट इज नॉन एज सेकेंडरी एल्काइल। तो यहां पर देखो, जैसे यहां से मैंने हाइड्रोजन हटा दिया तो क्या बचेगा CH3CH2CH3। तो यहां पर क्या होगा सेकेंडरी एल्काइल या 2 डिग्री एल्काइल। और कितने कार्बन का, ब्यूटेन का ना, तो सेकेंडरी या 2 डिग्री ब्यूटाइल हो गया, 2 डिग्री ब्यूटाइल। ठीक है, सेकेंडरी या फिर इसको क्या बोल देते 2 डिग्री ब्यूटाइल। ऐसे बेटा मैं बात करता हूं एग्जांपल ऑफ टर्शरी एल्काइल, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं एग्जाम्पल ऑफ टर्शरी एल्काइल। टर्शरी एल्काइल इसका एग्जाम्पल बता रहे हैं। यहां पर हाइड्रोजन किससे रिमूव होगा, 3 डिग्री कार्बन से। तो हाइड्रोजन रिमूव्ड फ्रॉम 3 डिग्री कार्बन। जब भी हाइड्रोजन है उसका रिमूव किससे होता 3 डिग्री कार्बन से, तो इसको हम क्या बोल देंगे टर्शरी एल्काइल बोल देंगे। देखिएगा, मान लीजिए एग्जाम्पल आपके पास में CH3CH2CH3CH3। तो बेटा ये 1 डिग्री कार्बन है, जब एक ही कार्बन से अटैच है, ये 1 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री कार्बन, ये वाला क्या होगा 2 डिग्री कार्बन, और ये क्या होगा 3 डिग्री कार्बन। तो यहां पर इस 3 डिग्री कार्बन है, इससे हाइड्रोजन आपने हटा दिया तो आपके पास में क्या बनेगा CH3CH3CH2CH3। तो इसको हम क्या बोल देंगे टर्शरी एल्काइल, टर्शरी और 3 डिग्री एल्काइल, इसको बोल देंगे टर्शरी और 3 डिग्री एल्काइल। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया इसका मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं। देखो नीचे तक दिखाई दे रहा है नहीं चेक कर लेंगे, एग्जांपल लिखाइए। देखिए CH3CH CH3, ये क्या होता है आइसोब्यूटेन, 2 डिग्री कार्बन पे एल्काइल ग्रुप है तो इसको हम नाम देते हैं आइसोब्यूटेन। ये होता आइसोब्यूटेन, ये आइसोब्यूटेन है। यहां से हमने हाइड्रोजन को रिमूव किया आइसोब्यूटेन से, कौन सा ये वाला हाइड्रोजन कौन सा होता है 3 डिग्री, तो इसको बोलेंगे CH3CH3, तो इसका नाम क्या होगा टर्शरी ब्यूटाइल या 3 डिग्री ब्यूटाइल। ये क्या हो गया आपका टर्शरी ब्यूटाइल, ये हो गया टर्शरी ब्यूटाइल। तो एकदम बेसिक से बेटा स्टार्ट किया कि एल्काइल क्या होता है, फिर सेकेंडरी एल्काइल क्या होता है, टर्शरी एल्काइल क्या होता है। तो सेकेंडरी एल्काइल क्या होगा, जब 2 डिग्री से कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो सेकेंडरी एल्काइल, और 3 डिग्री से रिमूव करते हैं तो टर्शरी एल्काइल। अब इसके बेटा मैं एग्जांपल लिखूंगा और आपको बताना ये कौन सा एल्काइल है, इस एल्काइल का जनरल नाम क्या होगा, नोट कर लीजिए इसको। मैं भी कैमरा चेक कर लेता हूं, ऑलमोस्ट दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा कट रहा है।
ठीक है। अब इसके लेते हैं हम एग्जांपल, सीरियल नंबर, स्ट्रक्चर और उसका नाम बताना आपको। मिटा दें इसको। सीरियल नंबर, स्ट्रक्चर एंड नेम कि कौन से, जैसे मैंने यहां पर लिखा सीरियल नंबर, फिर लिख देता हूं स्ट्रक्चर एंड उसका नाम क्या होगा ये बताना आपको, उसका नेम क्या। जैसे सीरियल नंबर है 1, ये दे रखा है CH3 मेथेन से, 2 CH3 CH2 आपको बताना है नाम क्या है, मैं लिख के छोड़ रहा हूं फिर मैं बताऊंगा, पहले आपको ट्राई करना है। 3rd है CH3 CH2 CH2, 4th है CH3 CH CH3, याद आ रहा होगा इसके बारे में तो। 5 CH3 CH2 CH2 CH2, 6 CH3 CH3 एंड CH2, ठीक है। नेक्स्ट ये देखिएगा, ये दे रखा है CH3 C, ऊपर लगा देता हूं मैं CH3 CH3, ये और शायद नीचे दिखाई नहीं देगा। इसके नेम बताओ, सबके सबके नेम बताने आपको। 7 लिखे, इन 7 के नेम बताने, बताइएगा क्या नाम होता है, लिख लिए इसके नाम। तो देखो ये क्या होगा, मेथेन से है ना, तो क्या होगा मिथाइल, ये होगा मिथाइल, ये वाला क्या होगा इथाइल, इथाइल, ये वाला क्या होगा प्रोपाइल या एन प्रोपाइल, और ये वाला तो एक्सेप्शन वाला, ध्यान दीजिए क्या होता है आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, ठीक है। ये वाला क्या होगा, 4 कार्बन का ब्यूटेन होता तो क्या होगा एन ब्यूटाइल, और यहां पर आप देखोगे आइसो ब्यूटेन से आया है, और आइसो ग्रुप और नियो ग्रुप, आइसो एल्केन और नियो एल्केन में अनचेंज रहते हैं, अनटच रहते हैं, ये एक्सेप्शन है प्रोपाइल वाला, आइसो प्रोपाइल, तो ये वाला ग्रुप है आइसो वाला, तो क्या बोल लिखोगे इसको आइसो ब्यूटाइल, 1 डिग्री होता है, आइसो और नियो वाले 1 डिग्री होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ये ग्रुप अनटच रखते हैं एक्सेप्ट प्रोपाइल, तो यहां पर क्या होगा आइसो ब्यूटाइल। ये क्या होगा, यहां पर तो 3 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन हटा है, तो इसको क्या नाम दिया था 3 डिग्री या फिर टर्शियरी ब्यूटाइल, ये था टर्शियरी ब्यूटाइल, याद करो 2 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन हटे तो सेकेंडरी ब्यूटाइल, 3 डिग्री से रिमूव होता तो टर्शियरी एल्काइल। और लिखते हैं और बताते हैं एग्जांपल, नोट कर लिया, मैच क्या होगा, किस किस का सही है देखो और बताते हैं। इसको बताओ इसका क्या नाम होगा, जैसे 8 नंबर है CH3 CH2 CH3, यहां पे देखो क्या है, ब्यूटेन था 1 2 3 4 कार्बन का क्या था ब्यूटेन, और यहां पर 2 डिग्री कार्बन से हटा है हाइड्रोजन, तो इसको क्या बोलेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, ये होगा सेकेंडरी ब्यूटाइल। और एग्जांपल लिखते हैं, आपको बताना है CH3 CH2 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 CH2, ये हुआ 10 नंबर है CH3 CH2 CH2 CH, ये है, ठीक है। और एग्जांपल बोल देता हूँ, ये लिख दिया CH3 CH2, ठीक है।
फिर ये लिखा CH3 CH2 CH2। ठीक है, अब इसका नाम बताओ क्या होगा, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का क्या होता है, N पेंटेन, और N से क्या बनता है, N पेंटेन से N पेंटाइल, N पेंटाइल। यहां पर भी N पेंटेन था, लेकिन हाइड्रोजन रिमूव किससे हुआ है, 2 डिग्री से रिमूव हुआ है, और जब 2 डिग्री से रिमूव होता है तो वहां पर इसको क्या बोल देते हैं, सेकेंडरी पेंटाइल, ये होगा सेकेंडरी पेंटाइल। इसके अंदर आप देखोगे तो ये वाला नियो पेंटाइल है, जिसके अंदर नियो ग्रुप है वो अनटेस्ट है, नियो ग्रुप अनटेस्ट होता है, आइसो एल्काइल और नियो एल्काइल में जो एल्काइल नियो और आइसो वाले जो ग्रुप है वो अनटेस्ट रहते हैं, एक्सेप्ट प्रोपाइल वो एक एक्सेप्शन टाइप का है। तो ये वाला क्या होगा, नियो पेंटाइल, ये होगा नियो पेंटाइल। इसको देखो बेटा, इसमें आइसो ग्रुप है वो मेंटेन है, तो इसको क्या बोलोगे, आइसो पेंटाइल। तो बेटा आपको एल्काइल ग्रुप के बारे में बताने कि एल्काइल ग्रुप में एल्केन से क्या बना रहे थे, एल्काइल ग्रुप, उसमें सेकेंडरी भी सिखाया और टर्सरी भी सिखाया। आइसो नियो में ध्यान रखना, नियो और आइसो एल्काइल में जो इनके ग्रुप है आइसो नियो वाले वो अनटच रहते हैं, वैसे के वैसे रहते हैं। नोट कर लीजिए इसको, फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं कि 3D में इसको कोई भी मॉलिक्यूल है उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। नोट कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट एक पॉइंट और लेते हैं छोटा सा, 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल उसको 3D में किस टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिएगा, हेडिंग लिखे हैं 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन, ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है उसको 3D में किस टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बेटा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है उसको 3D में प्रेजेंट करने के लिए सॉलिड वेज और डेस है इसको यूज में लेते हैं। देखो कैसे करेंगे, बाय यूजिंग सॉलिड वेज, देखो इस टाइप से होगा, इस टाइप से सॉलिड, ये होता सॉलिड वेज, डार्क करके दिखा रहे थे, एंड डैश ऐसे डॉटेड लाइन होती डैश, सॉलिड वेज और डैश से करते हैं। एक चीज ध्यान में रखना, जब भी रिप्रेजेंट करते हैं तो जो सॉलिड वेज होता है, जैसे ये पेपर का प्लेन है, ये पेपर पे रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, एक पेपर पे रिप्रेजेंटेशन बता रहे, तो पेपर पे रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज करते हैं सॉलिड वेज एंड डैश। तो ध्यान देना, मान लो ये पेपर है, ये बोर्ड आपका पेपर है, तो सॉलिड लगा वो तो आपकी तरफ होगा, ये आपकी तरफ होगा, और जो डेस्ट होगा वो आपसे बाहर की तरफ होगा, आपसे दूर साइड होगा, बैक साइड होगा, यानी सॉलिड होगा फ्रंट साइड होगा, आपकी साइड होगा, फ्रंट साइड कौन सी, इसकी ये वाली फ्रंट साइड, और डेस्ट कौन सी होगी, इसकी बैक साइड। तो ये लिखना होगा ये किधर होगा, अपनी ओर, जिधर भी आप पेपर पकड़े करो वो आपकी तरफ होगा, अपनी ओर, और जो डेस्ट होगा वो आपसे दूर होगा, बाहर की तरफ मानोगे इसको, पेपर से पीछे की तरफ मानोगे, बाहर की तरफ, बाहर की ओर, ये होगा बाहर की ओर। देखो एक एग्जांपल से बता रहे, जैसे मैंने मेथेन है इसको रिप्रेजेंट किया, सेंट्रल एटम कार्बन है, ऐसे लाइन बना दी ऐसे, और जो लाइन वाले होते ना पेपर के प्लेन में होते हैं, ऐसे बना दिया, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। तो यहां पर जो सिंगल लाइन बना के आपको दे रखी है वो तो किस चीज को बताएंगे, आपको किस बात को रिप्रेजेंट कर रही है, ये दो हाइड्रोजन है, ये आपका जो भी पेपर है उसके प्लेन में, ये फ्रंट साइड में आपकी तरफ है और ये पीछे की साइड में, ठीक है, नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और देते हैं आपको, क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन लिखो,
इसको नोट कर लो, फिर क्वेश्चन करवाते। इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल, इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल ब्रोमीन BR लोकेटेड कहां पर लोकेट है, उसकी लोकेशन क्या है, और आपका मॉलिक्यूल ये बना के दे दिया। ये दे दिया BR हाइड्रोजन CH3, इधर ये दे दिया CH3 BR हाइड्रोजन। फिर आपको ये पूछा गया ब्रोमीन कहां पर है, तो पहला बिहाइंड द प्लेन, बिहाइंड द प्लेन है। सेकंड इन फ्रंट ऑफ द प्लेन ठीक है, इन द प्लेन ऑफ पेपर इन पेपर प्लेन, और फोर्थ है नन ऑफ दिस। आपको इस मॉलिक्यूल के बेसिस पे ये बताना है, इस मॉलिक्यूल को देखेगा और वहां पर देखोगे ब्रोमीन है उसकी क्या लोकेशन होगी, कहां पर लोकेट है। तो आपको देख रहा है कहां पर दे रखा है, ये वेज पर, सॉलिड वेज पे दे रखा है, और सॉलिड वेज पे जो प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, पेपर के प्लेन के आपकी तरफ होता है, यानी आपकी साइड होता है। आपकी साइड कौन सी होगी इस पेपर की, ये फ्रंट साइड है और वो बैक साइड है, बिहाइंड होगा, कौन सी होगी, इन फ्रंट ऑफ द प्लेन। तो इस टाइप से 3D के अंदर इसको बताया जाता है कि कोई भी मॉलिक्यूल है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर इसका बेटा हम क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नोट कर लिया। और क्लासिफिकेशन बताते हैं बेटा, छोटे छोटे दो क्लासिफिकेशन और बता देता हूं आपको, एक तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे, एक फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे। उसके बाद में आपकी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो स्टार्टिंग का पार्ट हो कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में हम आएंगे IUPAC नेमिंग पे। इसको मिटा देते हैं, देखिए आगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप, स्ट्रक्चर के बेसिस पे और फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनको क्लासिफाई कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है इसका क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। दो टाइप से क्लासिफाई करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। देखो दो टाइप से क्लासिफाई किया, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप। देखो दो टाइप से क्लासिफाई कर रहे हैं, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर है उस पे बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं, और दूसरा बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप, दूसरा है बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप, बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप। दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, किस किस के बेसिस पे कर रहे हैं, एक तो उसकी कैसी स्ट्रक्चर है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है या लीनियर स्ट्रक्चर है, चैन स्ट्रक्चर है, एरोमेटिक है, एलिफेटिक है, एसाइक्लिक है, इन सब के बेसिस पे, और दूसरा फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे। तो देखो पहले इसको मैं बता रहा हूं बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बेसिस पे इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, दो कैटेगरी में डिवाइड किया, एक तो होता ओपन चैन, ओपन चैन, और इसी को बोल देते हैं एसाइक्लिक, ओपन चैन और एसाइक्लिक है, इसी का नाम होता है एलिफेटिक भी बोल देते हैं। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ओपन चैन, ठीक है,
ओपन चेन में वो एसाइक्लिक या फिर दूसरा नाम क्या होता है एलिफैटिक। ऐसे यहां पे देखो दूसरा होता है क्लोज चेन। बेटा फंक्शनल ग्रुप का मैं अलग से बता दूंगा, पहले इसको देखते हैं हम। क्लोज्ड चेन, सेकेंड है क्लोज्ड चेन, या इसी को बोल देते हैं रिंग चेन, रिंग चेन, या इसी को बोल देते हैं साइक्लिक। ठीक है, तो दो टाइप का होगा, ओपन चेन और क्लोज चेन। ओपन चेन क्या होता है एसाइक्लिक है एलिफेटिक, क्लोज चेन वाला क्या होगा रिंग चेन या फिर क्या होगा साइक्लिक। अब इन दोनों को भी आगे कैटेगराइज करते हैं, ओपन चेन या फिर इसका दूसरा नाम क्या है एसाइक्लिक या फिर एलिफेटिक, इसको आगे कैटेगराइज करते हैं। चेन होता है वो स्टेट चेन भी हो सकता है या फिर कैसा हो सकता है ब्रांच चेन, जिसके बारे में हमने पढ़ा भी है। तो इसको मैं फिर दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूँ। एक तो होता है स्टेट चेन, जो पढ़ा हुआ वो बेटा आप रिपीट होने लगेंगे वापस से, जो भी आपके काम में बेटा छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो स्टेट चेन, स्टेट चेन, और दूसरी स्टेट चेन होता है, दूसरा होता है ब्रांच चेन, ब्रांच्ड चेन। जैसे एग्जांपल हम देखें इसका, जैसे ये दे दिया 1 2 3 4 5, फाइव कार्बन की एक लीनियर चेन है, उसको हमने क्या बोला था एन पेंटेन, ये हो गया एन पेंटेन। ऐसे इसका एग्जांपल दे दिया, देखो 1 2 3 4 5, फाइव कार्बन है लेकिन सेकेंड कार्बन के ऊपर एक ब्रांच है, मिथाइल की ब्रांच होता है, उसको क्या बोला था हमने आइसो। तो ये वाला क्या होगा आइसो पेंटेन, इसके बारे में डिटेल में पढ़ चुके आइसो पेंटेन। ऐसे क्लोज चेन है, क्लोज चेन है, इसको भी दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। क्लोज चेन वाले को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, साइक्लिक को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक तो होता है एलिसाइक्लिक और दूसरा होता है एरोमेटिक। इसको फिर से मैं दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूं, एक को हम बोल देते हैं एसाइक्लिक, सॉरी एलिसाइक्लिक। एसाइक्लिक तो कौन से होते हैं चैन वाले होते हैं, एलिसाइक्लिक, और दूसरा होता है एरोमेटिक। सब डिटेल में पढ़ेंगे क्या एरोमेटिक क्या होता है, कैसे इसको देखा जाता है, कौन कौन सी कंडीशन अप्लाई करते हैं, इन सबको देखना है। तो दो कैटेगरी में डिवाइड किया, कौन सा होगा एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक है, इसको भी दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो आगे भी, एक तो होता होमोसाइक्लिक और एक होता हेट्रोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। देखो होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक में दो कैटेगरी में डिवाइड किया, होमोसाइक्लिक, होमो का मतलब क्या होता है साइकिल में एक ही टाइप के एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं तो उसको होमोसाइक्लिक बोल दोगे, और एलिमेंट में डिफरेंट टाइप का एलिमेंट भी आ गया तो उसको क्या बोलोगे हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक और दूसरा कौन सा हो गया हेट्रोसाइक्लिक। जैसे होमोसाइक्लिक इसका एग्जांपल लो, ये होगा साइक्लोहेक्सेन, छह कार्बन का 1 2 3 4 5 6, तो उसका क्या नाम होता है साइक्लो, साइक्लिक रिंग है तो क्या लगाना है साइक्लो, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, एक ही टाइप के एलिमेंट है, कार्बन प्रेजेंट है सिर्फ, तो इसको क्या बोलोगे साइक्लोहेक्सेन। यहां पे देखो ऑक्सीजन है और रिमेनिंग कार्बन है, ऑक्सीजन और कार्बन, तो ये क्या होगा हेट्रोसाइक्लिक, और इसका नाम होता है बेटा फ्यूरेन, फ्यूरेन होता है या टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन नाम होता है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, ये जनरल नाम है एक बार ध्यान रख लेना। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको हम क्लासिफाई कर रहे हैं, किस किस के बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं, स्ट्रक्चर के बेसिस पे और फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे। तो स्ट्रक्चर में आपको बताया ओपन चेन क्लोज चेन, ओपन वाला क्या होगा स्टेट चेन ब्रांच चेन, पढ़ चुके हैं वो डिटेल में। क्लोज चेन के अंदर दो बताया एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। ठीक है, ऐसे बेटा जैसे एलिसाइक्लिक होता है वैसे एरोमेटिक है, इसको भी दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, कौन कौन सा होगा होमो एरोमेटिक और हेट्रो एरोमेटिक। देखता हूँ एक बार दिखाई दे रहा क्या, यहीं पे कर देते हैं इसको कैटेगराइज, होमो एरोमेटिक एंड हेट्रो एरोमेटिक, इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ मैं यहीं पे, होमो एरोमेटिक होमो एरोमेटिक और दूसरा कौन सा होगा हेट्रो एरोमेटिक।
होमो एरोमेटिक और हेट्रो एरोमेटिक। तो यहां पर बेटा वो कंडीशन तो बताएंगे, जैसे बेंजीन होता ना, जहां पर ऐसे साइक्लिक रिंग होता है वहां पर रेजोनेंस प्रेजेंट होता है, इन सबको तो देखना है, एक बार ध्यान रखना। एक तो होता है इस टाइप से, इसको बोल देते हैं होमो एरोमेटिक, और वहां पर कार्बन के अलावा दूसरा जैसे नाइट्रोजन आ गया तो इसको क्या बोल देंगे, हेट्रो एरोमेटिक। ये हो गया, इसका नाम होता है पाइरिडीन। पाइरिडीन बेटा दिखाई नहीं दे रहा तो मैं बोल के बता रहा हूं, ये होगा बेंजीन और ये क्या होगा पाइरिडीन। तो ये हमने क्लासिफिकेशन और ऑर्गेनिक कंपाउंड किसके बेसिस पे देखा, स्ट्रक्चर के बेसिस पे। अब हमें किसके बेसिस पे देखना है, फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे, उसके बाद ही हमारा स्टार्ट हो जाएगा IUPAC नेमिंग स्टार्ट होगी। तो आज के लेक्चर में एक और चीज देख लेते हैं कि फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे और क्या होता है, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो किसके बेसिस पे है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, पूरा ही लिख देता हूं मैं, क्लासिफिकेशन सेकेंड वन है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप है इसके बेसिस पे हम कैटेगराइजेशन कर रहे हैं। देखो किस टाइप से करते हैं मैं पूरा ही बताता हूँ, और डिटेल में बता रहा हूँ कि फंक्शनल ग्रुप होता है क्या है, ये किन बातों को डिटरमाइन करता है। ये देखिएगा, जैसे मैंने ये बोल दिया ये मेथेन है, इसे एक हाइड्रोजन हटाया तो क्या बन गया मिथाइल, मिथाइल होगा, इसकी एक वैलेंसी तो फ्री है। फिर मैंने यहाँ पर OH है इसको जोड़ दिया तो यहाँ पर क्या बन गया CH3OH, मेथेनॉल बोल देते हैं, यानी किसका फॉर्मेशन हो गया एल्कोहल का। तो यहाँ पर OH क्या होता है आपका फंक्शनल ग्रुप, ये बन गया एल्कोहल। ठीक है, ऐसे बेटा मैं इसी की बात करूं और बता देता हूं, चलो इसी के एग्जांपल और ले रहा हूं मैं, CH4 है एक हाइड्रोजन हटाया, मिथाइल ग्रुप है और यहां पर मैंने जोड़ दिया एसिड C OH, तो ये बन जाता है एसिटिक एसिड। तो C OH ये क्या होगा एक फंक्शनल ग्रुप है। तो इनको जोड़ने के बाद में OH, देखो CH3 तक तो सेम है, उसके बाद में OH जोड़ोगे तो इसकी प्रॉपर्टी अलग होगी, C OH जोड़ोगे तो इसकी प्रॉपर्टी अलग होगी, और ये जुड़ने वाले ग्रुप ही क्या होते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो यहां पर ये एल्कोहल की प्रॉपर्टी वाला ये क्या होगा एसिड, ऐसे होगा। और बताना चाहिए तो देखो CH4 हाइड्रोजन हटाए, मिथाइल यहां तक सेम कर रहे हैं, फिर यहां पर मैंने हैलोजन जोड़ दिया, हैलोजन जोड़ा तो यहां पे क्या बन जाएगा CH3X हैलाइड बन जाएगा। तो बेटा यहां पर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा किसी भी ग्रुप के ग्रुप यहां पर जुड़ा होता है तो उसका नाम क्या होता है फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, और उसके बेसिस पे इस मॉलिक्यूल इसकी प्रॉपर्टी भी बताई जाती है। देखो क्या होता है फंक्शनल ग्रुप, उसकी मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, ये बात क्लियर हो गई। ये देखो स्टार्टिंग में सेम था लेकिन ये अलग अलग ग्रुप जुड़ने से वहां पर प्रॉपर्टीज अलग आ जाती हैं, और इन जुड़ने वाले ग्रुप्स का नाम होता है फंक्शनल ग्रुप। देखो डिफाइन कर देता हूं मैं इसको भी, डेफिनेशन लिखता हूं, देखिएगा, लिखेंगे एन एटम ऑफ ए ग्रुप, एन एटम ऑफ ए ग्रुप ऑफ एटम विच कैरेक्टराइज द क्लास एंड प्रॉपर्टीज, कैरेक्टराइज द क्लास एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड्स आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप।
तो क्या बताया आपको, एन एटम ऑफ ए ग्रुप विच कैरेक्टराइज द क्लास एंड प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड, उस कंपाउंड की क्लास और प्रॉपर्टी है उसको बताती है, तो उसको क्या बोल देंगे, फंक्शनल ग्रुप। देखो कुछ फंक्शनल ग्रुप है उसके बारे में बता रहे हैं, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है, क्या इसकी स्ट्रक्चर होता है, क्या नाम होता है। तो इधर लिख रहे हैं फंक्शनल ग्रुप और उसका नाम, इसको मैं मिटा देता हूँ फिर पूरे बोर्ड पर आ जाएगा। देखो फंक्शनल ग्रुप एंड नेम, इधर लिखा मैंने फंक्शनल ग्रुप और इसके आगे हम इसका नाम लिख देंगे नेम, ऐसे फिर से आ जाएगा यहां पर फंक्शनल ग्रुप और नेम। फंक्शनल ग्रुप और उसका नाम लिख देंगे, ठीक है। तो यहां पे देखो मैं लिखना स्टार्ट कर रहा हूं, यहां पर जैसे ये दे रखा हो कार्बन, कार्बन सिर्फ कार्बन है और कुछ नहीं है, यहां पर सैचुरेटेड कार्बन है तो क्या नाम होता है, एल्केन। तो इसका नाम क्या लिखोगे, एल्केन, बता भी चुके। मान लो कि ये होता अनसैचुरेटेड है, डबल बॉन्ड है, तो बेटा डबल बॉन्ड वाले का क्या नाम था, एल्किन, और ट्रिपल बॉन्ड वाले का नाम क्या बताया था आपको, एल्काइन। तो ये क्या हो गया आपके लिए, एल्किन। ट्रिपल बॉन्ड है तो ये क्या होगा, एल्काइन। आर कोई भी एल्किल ग्रुप है, सी एस थ्री कुछ भी ऐसे, एक्स है यहां पर हेलोजन, तो इसको नाम होता है एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड। अगर इसके साथ में OH जुड़ा होता है तो OH कौन सा ग्रुप होता है, एल्कोहल, ये होता है एल्कोहल। या ऑक्सीजन रिप्लेस बाय सल्फर, तो जब भी ऑक्सीजन उसका रिप्लेसमेंट सल्फर से होता है तो उसके लिए वर्ड काम में आता है थायो, तो एल्कोहल की जगह यहां पर क्या लिखोगे आप, थायो एल्कोहल, थायो एल्कोहल। या फिर एरोमेटिक OH है, यानी एरोमेटिक OH क्या है, ये एरोमेटिक रिंग है, इसके साथ में OH जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम होता है बेटा फिनॉल, ये होता है फिनॉल। ऐसे देखो ROR, दो एल्किल ग्रुप के बीच में ऑक्सीजन आ रहा है तो इसका नाम होता है इथर, दिखाई दे रहा है नीचे। आजकल बेटा क्या है, कैमरा थोड़ा सा मेरा सेट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। और बताते हैं आर सी डबल बॉन्ड एच, ये दे रखा हो तो इसका नाम होता है एल्डिहाइड, ये होता है एल्डिहाइड, आर सी एच ओ, ये होता है एल्डिहाइड। ऐसे हाइड्रोजन की जगह पर आर सी डबल ओ आर ये हो तो इसका नाम होता है कीटोन, तो ये होता है कीटोन। ऐसे यहां पर सी डबल ओ एच ओ तो ये क्या होता है, एसिड, ये होता है एसिड। एच की जगह यहां पर कोई फिर से एल्किल ग्रुप आ जाए तो ये होता है आपका एस्टर, ये होता है एस्टर। और यहां पर अगर ये दे रखा हो आर सी ओ एक्स तो ये होता है एसिड हैलाइड, ये होता है एसिड हैलाइड। और अगर यहां पर आर सी डबल ओ एन एस टू आ रहा हो, CONS2 होता बेटा एमाइड, ये फंक्शनल ग्रुप होता है एमाइड। RNS2 हो ये होता है एमाइन, एमाइड, ऊपर वाला RCONS2 होता है एमाइड। ये बेटा याद करना, इसकी आप क्या करो, ये जो भी बता रहा हूं ना इसको एक अच्छे से पेन से, अलग अलग पेन को यूज में लेते हुए एक पेज लो कॉपी का, उस पर उतारो और जहां पर भी पढ़ते हो उसके सामने चिपका दो ताकि आपके माइंड में ये सेट भी रहे, ठीक है। ये होता है एम आई, नोट कर लीजिए। और मैं दो तीन और लिखवा देता हूं, मैं यहां पर जो काम किया इसको उतार लीजिए। देखो और लिख देता हूं आर सी एन, सी एन होता बेटा साइनाइड, या इसी का साइनाइड भी और इसका वैसे नाम होता नाइट्राइल, नाइट्राइल। आर एन सी, जब भी बाइंडिंग साइट चेंज कर देते हैं तो आइसो वर्ड लग जाता है, आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल,
आइसोसाइनाइड या फिर आइसोनाइट्राइल। ऐसे देखो NO2 जुड़ा होता तब तो ये होता नाइट्रो, और यहां पर ये ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट हो तो ये होता नाइट्राइट। ये नाइट्राइल है और ये नाइट्राइट है। एक और बता देता हूं मैं, ये लिख लिया ना बेटा, R C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R, इसका नाम होता है एनहाइड्राइट। ये होता है एनहाइड्राइट, ठीक है। तो बेटा ये थे आपके फंक्शनल ग्रुप जिसके बेसिस पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैटेगराइज किया। तो ये जो जनरल बातें आपकी छोटी छोटी बातें, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, टू डिग्री क्या है, सेकेंडरी क्या है, आईसो नियो ये सब चीजें आ जाती हैं तो वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बेटा आपको एक छोटे छोटे पॉइंट्स के थ्रू इनको मैंने एक्सप्लेन किया है। अब रियल में आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो चुकी है जिसका फर्स्ट अब हम पढ़ेंगे लेक्चर, या फर्स्ट वैसे तो तीन चार लेक्चर हो चुके हैं, अब जो पढ़ेंगे वो रियल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर स्टार्ट होता है। उसके लिए बेसिक जरूरी था, और वो क्या होगा आपका IUPAC नेमिंग। तो जो भी बताया बेटा इसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। मिलते हैं IUPAC नेमिंग के साथ में। ऑल द वेरी बेस्ट।